जब आप बाहर निकलोगे स्कूल के कॉलेज से तो आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लिया थ्रॉट द लाइफ। ये अभी के लिए नहीं है, 10th क्लास के लिए, थ्रॉट द लाइफ। मैं इनका कॉर्पोरेट में या कई बड़े जगह पे बड़े स्कूल्स में भी जाके हायर मैनेजमेंट के स्टडी के क्लासेस में भी जाके लोगों को यही बताता हूँ कि आपके अंदर जब तक क्यूरियोसिटी नहीं आएगी, पूछने की इच्छा नहीं आएगी, जानने की इच्छा नहीं आएगी, जब तक आप अपने शायनेस से, जैसे कभी किसी बच्चे ने आंसर दिया सब बच्चे हंसने लगे ऐसा होता है ना, सब हंसने लगते, पढ़िए अगर थोड़ा टीचर ने बोल दिया गॉन तो सब हंसने लगते, तो ये नहीं आनी चाहिए। इंस्टी आपकी को उसने क्या गलत कहा, हम मजाक में जैसे ही नॉइज़ किया हमने क्या की, शिक्षा को भूल गए। हमारी जो एजुकेशन का मेन रूल है वो फर्स्ट रूल है साइलेंस। जब तक आप साइलेंस मेंटेन नहीं करोगे कोई भी चीज़ आप रिसीव नहीं कर पाओगे। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो मूवी में हम क्या करते हैं, पहले ब्रेक आती है, ब्रेक में बहुत शोर शराबा रहता है, एड चलती है ना, बात करते हैं, कॉफ़ी की बात करते हैं, फोन पे आता है, और जैसे ही एक मूवी स्टार्ट होने वाली होती है तो नेशनल एंथम होता है, सब खड़े हो जाते हैं, साइलेंट खड़े होने का एक बॉडी लैंग्वेज है, क्यों खड़े होते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपने तिरंगे को, है ना, वो बॉडी लैंग्वेज सल्यूट करते हैं उनको, हमें प्राउड फील होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, चुपचाप शांत से बैठ जाते हैं, मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल के, एक इंस्ट्रक्शन आती है फोन ऑन फ्लाइट मोड और साइलेंट मोड, और हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो देखने आए उस चीज़ को अच्छे से इंजॉय कर पाए, उसके लिए साइलेंट हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते। जब दूसरा कोई बात कर रहा होता है तो हम उसको कहते हैं भाई साहब क्या कर रहे हो, बट ये चीज़ हम अपने स्कूल में अप्लाई नहीं करते। तो वो भी इम्पोर्टेंट है या आपका स्टडी इम्पोर्टेंट है, तो वही सेम फॉर्मूला आपको यहाँ अपनाना है। आपके क्लासरूम में जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होती है, ए प्लस बी प्लस आर इक्वल टू आर, मैडम समझाएंगी, ए फॉर एक्शन, बी फॉर बिहेवियर, एंड दैट एक्शन एंड बिहेवियर विल डिसाइड योर रिजल्ट, क्योंकि आर फॉर रिजल्ट, रिजल्ट हो सकती है प्रोडक्टिव होगी और अनप्रोडक्टिव होगी, मतलब जिसका कोई फायदा नहीं होगा या किसी का बहुत ज़्यादा रिजल्ट का फायदा होगा। तो आपको ये डिसाइड करना है जो आप कर रहे हो उससे आपको आउटकम क्या आना है, उससे आपका फायदा क्या है, राइट। तो जैसे ही अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कोई भी काम करना, चाहे आप तो लिख रहे हो या सो रहे हो या गेम खेल रहे हो या आप किसी फ्रेंड के साथ चिट चैट कोई भी इधर उधर की बातें कर रहे हो, अपने आप से एक सवाल कर लेना कि जो मैं कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। अपने से यहाँ कोई एग्जाम नहीं लेगा, लाइफ में कभी कोई आपका एग्जाम नहीं ले सकता। एग्जाम किसके होता है, आपके इंटरेस्ट को चेक करने के लिए कि आपको जो पढ़ाया गया डिलीवर किया गया उसको आप कितना रिसीव कर पाए, राइट। इसके लिए टेस्ट होती है, एग्जाम नहीं होता है, और एग्जाम आते ही हर बच्चों में फियर सी हो जाती है, दिन रात लग जाते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं, पढ़ाई कर, और हम क्या करते हैं उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि मूवी में जो चलती है ऐड जैसी, हम उसमें खुश रहते हैं गेम में, सो लाइफ इज ऑल अबाउट गेम, तो गेम को जैसे एंजॉय करते हैं तो वही एंजॉयमेंट, वही इंटरेस्ट आपने स्टडी पे डाल दी, तो जो आउटपुट आएगा वो आपको बहुत अच्छा कम्फर्ट देगा फ्यूचर में। अदरवाइज लाइफ टाइम आप स्ट्रगल होंगे और हमेशा सीवी लेके जॉब के लिए अप्लाई करते रहोगे, राइट। या बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ, मेरा दिमाग ही काम नहीं करेगा कि कैसे करूँ, क्योंकि हमने सीरियस ली नहीं, और बाद में रियलाइज होगा ये जो 10th क्लास है आपका, जिस एज में आप लोग हो, ये एज आपके लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला है, राइट। ये एक बार आया और इसको बहुत मिस करोगे, आपके फ्रेंड्स को, आपके स्कूल टीचर्स को, आपके स्कूल्स को, जब आप लाइफ में तरक्की पाओगे, जब बहुत बड़ी एक टारगेट अचीव करोगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगेंगे आपके, या किसी ऑफिसर्स बैंक पर जाओगे वहाँ प्राउड फील करेगा, आपके दोस्तों को मेरे वो कमिश्नर मेरा दोस्त है, जब इतना काम हो जाए ऐसे बात करते हैं ना, तो वो प्राउड फील होगा आपको भी कि नहीं मैं उस स्कूल से हूँ, मैंने वो सीरियसनेस ले दी स्टडी को, आज इसलिए अचीव कर पाया, नहीं तो जनरल लाइफ कुछ कुछ नहीं जाता, एक एवरेज लाइफ जाती है और एक ब्यूटीफुल लाइफ होती है। चूज आपको करना है, आपको क्या चाहिए, राइट।
जब कभी भी कोई अगर आपको डिस्टर्ब करे, जैसे आपके क्लासेस में ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो काफ़ी दूसरे को डिस्टर्ब करते होंगे, डिस्ट्रैक्ट करते होंगे, राइट? आपने से होता है ना कि किसी को पढ़ रहा है कोई सब पीछे लिया, ऐसे कर दी या ऐसे कर दिया, होता है ना, बजाय मस्ती में करते ना, टीचर ने भी मस्ती कर लेते हैं, या इसके बैग से वो निकाली, उसके बैग से वो निकाली। अपने आप में क्वेश्चन पूछना, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है क्या, खुद से पूछना। हर क्रिया, हर एक्शन आपका रिजल्ट देगा, हर बिहेवियर एक रिजल्ट देगा। वो रिजल्ट आपको डिसाइड करना है कि आपको चाहिए या नहीं, ये कोई नहीं बताएगा। टीचर आएंगे आपको एजुकेट करने के, आपके सब्जेक्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में उनको अपना चैप्टर फिनिश करना होता है। अगर चैप्टर फिनिश नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में क्या लिखोगे, फिर बाद में घर पर जाके कंप्लेन करोगे कि टीचर ने मुझे ठीक से नहीं पढ़ाया, या आपके पेरेंट्स भी कहेंगे कि टीचर्स की गलती है। टीचर्स की गलती नहीं है, कोलैबोरेशन होता है। टीचर्स क्या करेगा जब स्टूडेंट रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होगा तो, थिएटर में कितना भी अच्छी मूवी चला दो, शोर शराबा होगा तो कोई एंजॉय कर पाएंगे, कोई समझ पा रहा नहीं थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, चिलम चाली हो रही थी। जब कॉन्सेंट्रेशन आपकी बढ़ेगी तभी जाके आप वो सीख पाओगे ना, तभी आप एक स्टोरी लिख पाओगे। इंस्पायर होते हैं ना कई बार मूवी से, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मूवी क्यों बनती है, थीम होता है। जैसे मुन्ना भाई MBBS एक मूवी बनी थी, उस मूवी में क्या था, डॉक्टर वर्सेस इंसेस्ट, जिसको इंसेस्ट जिसको है डॉक्टर, मतलब किसी को दिखाना चाहता है बनना डॉक्टर। तो आपका काम क्या है, लोगों को कम्फर्ट देना। आगे बढ़ के जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे, जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, तो आपका मोटो क्या रहेगा, हमें सर्व करना है, सोसाइटी में अपना नाम कमाना है, राइट? कोई अपना बनना भी चाहता है क्या सोसाइटी में? कभी भी किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करना। अक्सर हम गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं कि दूसरे को देख के हंसते हैं, ये तेरा बाल ऐसा है, ये तेरा टाई ऐसा है, मतलब दूसरे के चेहरे को, उसकी एक्टिविटी को, खुद का चेहरा नहीं दिखाई देता जब तक कि मिरर सामने ना हो। मिरर क्या है, आपकी एक्चुअल सिचुएशन, जो आपने किया वही आपके सामने आने वाला है। आपने अगर किसी का मजाक उड़ाया तो आपके सामने वापस कोई खड़ा हो जाएगा मजाक उड़ाने के लिए। मैं कभी किसी का मजाक उड़ाया था, आज मेरे बाल चले गए, मुझे बहुत बुरा फील होता है, मैंने क्यों मजाक उड़ाया था? उसके बाद किसी जिसके बाल नहीं थे उसका मजाक उड़ाया, टकला गंजा कुछ बोला होगा, दैट इज कॉल्ड कर्मा। जो हम करते हैं, जो हमारा एक्शन है वो वापस आती है हमारे पास। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो अगला चुप नहीं बैठेगा, वो तभी नहीं मारेगा लेकिन बाद में जरूर मारेगा। तो ये सिलसिला क्या होता है, उससे कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। अगर किसी ने कुछ बोला और आपने उसको दो थप्पड़ लगा दी, उससे आपको कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, उल्टा डांट मिलेगा पेरेंट से, टीचर से, प्रिंसिपल से, और आपको खुद रिग्रेट फील होगा कि हमने किसको मारा, हमने अपने कलीग को मारा जिसके साथ हम पढ़ते थे, क्लासमेट को मारा, उसके सामने हमने बदतमीजी की। आप लोगों में झगड़ा लड़ाई होता है कि नहीं, लड़ाई झगड़ा होता है कि आपस में होता है ना, नेचुरल होना चाहिए। लेकिन लड़ाई झगड़ा किस चीज़ को लेके होना चाहिए, पढ़ाई को लेके, यहाँ किस चीज़ को लेके होता है, यहाँ किस चीज़ को लेके होता है, रिवर्स, पढ़ाई से लड़ाई झगड़े का कोई संबंध नहीं है। अगर पढ़ाई के लिए लड़ाई झगड़े करते हो और उससे आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो आप लड़ो लड़ो, मैं कहूँगा, मैं सपोर्ट करूँगा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, अनप्रोडक्टिव। उसका रिजल्ट यही है कि आप अपनी मेंटल पीस होते हो, अपना समय बर्बाद करते हो, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आना है। यहाँ से सुनना, यहाँ से लेकर घर तक, टीचर को अच्छा नहीं लगा, प्रिंसिपल को अच्छा नहीं लगा, पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा, पेरेंट्स को बुलाएंगे, सबको काम में लगा देंगे, मतलब आपकी एक एक्शन से कितने लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो आपको उस एक्टिविटी को चेंज करना है, उस बिहेवियर को चेंज करना है। नाउ आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज बिहेवियर, मास्क को नीचे कीजिए, कोई काम नहीं है, थोड़ा नहीं है ना सर, ओके ठीक है। बिहेवियर क्या है बेटा, आप बोलो बिहेवियर क्या है, वो क्या होता है?
बिहेवियर वो है जिससे आप दूसरे को जज करने का मौका देते हैं, दैट इज बिहेवियर, इधर गुड और बैड। नाउ व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, मैडम पूछिए व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड इन दैट लोग एंड गेट द आंसर। आई एम आस्किंग यू दिस, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज गुड वेरी गुड, व्हाट इज गुड बेटा एंड व्हाट इज बैड, क्या है गुड और बैड क्या है? Why do you want to become a third?
सोचा, तो क्यों सोचा, क्यों सोचा आप थर्ड आओगे? सोचने का तो पैसा नहीं लग रहा है, तो सोच अगर थर्ड रहेगी तो और नीचे लेके जाएगी। अगर आप पहले से सरेंडर कर दोगे तो आप फिर करोगे क्या? जब तक जंग लड़ी नहीं जाएगी, जीतेगा हारेगा कौन, कौन डिसाइड करता है? हम तो क्या करते हैं, कोई भी प्लेयर टीम का दो टीम होता है, कोई भी प्लेयर ये चाहता है कि मैं गेम हार जाऊं, और कोई ये प्लेयर जानता है कि मैं गेम जीत जाऊंगा, किसी को पता नहीं होता है। दैट डिसाइड योर डेस्टिनी और अफकोर्स आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी प्लानिंग। वैसे आपको एक अपनी डेली रूटीन बनानी है, आपकी एक प्लानिंग करनी है। किस चीज का प्लानिंग करना है? आपके स्टडी का, आपके डेली का, आपके उठने का, सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ इंडिपेंडेंस, अपने आप से सब काम करना है। मम्मी की डांट ना सुननी पड़े, पापा का थप्पड़ ना लगे, सब अपने आप से उठा और एक्शन। डेली का जो रूटीन है हमारा सेट है, इतने बजे उठना है, इतने बजे स्कूल जाना है, सब स्कूल का भी टाइम टेबल है। स्कूल से आने के बाद हमें क्या करना है, खेलना है, पढ़ाई करनी है, सिर्फ अपने आप जाके बैक पैक करना है, खेलना है, खाने का खाना मिला तो ठीक है, नहीं तो वापस करनी। कई बार गर्मी हो जाता ना, लेट खाना बनाते बनाते या हमें पढ़ते पढ़ते, तो रूटीन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मेक योर ओन रूटीन, इफ यू फॉलो दैट आप सभी फर्स्ट आओगे, और सिर्फ फर्स्ट नहीं आओगे, आप सभी का नाम पूरी देश में, दुनिया में लोग जानेंगे। हमारे अंदर वो बिलीव नहीं है, एक विश्वास नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमें लगता है कोई मजाक ना हो रहा है, जब कभी भी कुछ आपको बोलना होगा बेशक बोलो, कोई हंसता है कोई फर्क नहीं पड़ता, हंस लेने दो, कोई क्रिटिसाइज करता है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हंसते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं वही कल आपको फॉलो करेंगे, राइट? I forgot to introduce myself. I am international coach, mentor. पिछले 17 सालों से अलग अलग जगहों के अलग अलग कंट्रीज में मैं लोगों को अवेयर करा रहा हूँ, मैं बताता नहीं हूँ, मैं लोगों की रियलिटी, मतलब आपको लाइफ में क्या चाहिए, कहाँ क्या दिक्कतें आ रही है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जो गैप है आपके स्टडी और आपके फियर, आपकी स्टडी और आपको ग्रोथ के बीच में ना फियर है, जो गैप है, आप सोच रहे हो कि अगर मैं जंप की तो डूब जाऊंगी, या जंप किया तो डूब जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता, ये फियर को मुझे दूर करना, तब आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से। मैं ना थेलिंग का फाउंडर हूँ, और अपनी मैडम हमारे को फाउंडर हैं, इन्होंने काफ़ी क्लासेस ली है आपके स्कूल में भी, 8, 9, 10, 10 है, लास्ट है। हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे, अगर आपको अच्छा लगा और आपने घर पे जाके पेरेंट्स को बताया कि आज हमने कुछ सीखा, और मुझे बताया कि आज हमने कुछ सीखा, बहुत खुशी होगी। इनफैक्ट एट द सेम टाइम आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल को ये रिव्यूज देना है कि आज आपने क्या सीखा। जब तक आप नहीं सीखोगे बताओगे, तब तक बाद में मुझे कॉल नहीं आएगी कि नेक्स्ट टाइम आपको वापस कंडक्ट करना है क्लासेस। हमारे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पे नाथली के नाम से है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, जो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, पहले नहीं बनाया था बच्चों के लिए, हाउ टू फोकस बेटर, हाउ टू रिमूव योर फियर्स, इन सारे टॉपिक्स पे जो आप आफ्टर रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आप सर्च करके, अभी नहीं डाला हुआ है बट स्मॉलिंग स्मॉलिंग यू कैन स्टार्ट, सो यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग योर यूजिंग सोशल मीडिया अकाउंट, यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग एंड वॉचिंग माई वीडियो, राइट? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभी यहाँ तो हो गई सक्सेस, सक्सेस क्यों चाहिए हमें, सक्सेस क्यों चाहिए? आप प्रेसिडेंट बन गए क्या, आप सक्सेसफुल है? नहीं, सक्सेस इज गॉड वेन यू हेल्प अदर्स, आपके पास सब कुछ है, आप सक्सेसफुल, बट आपको आपसे किसी को फायदा नहीं है, इंसान को इंसान से जरूरत पड़ती है, राइट? आपके जो क्लासमेट है एक दूसरे को जरूरत पड़ती होगी, कभी कोई नहीं है क्लास में तो उसके नोट्स लेके वो दूसरे स्टूडेंट उससे कॉपी लेंगे, राइट? दैट इज कॉल्ड सक्सेस, हेल्पिंग नेचर इज अ सक्सेस, अकॉर्डिंग टू यू सक्सेस इज समथिंग विच यू कैन ऑन, यू कैन मेक योर गोल। आपको टारगेट करनी होगी मुझे कहाँ पहुँचना है,
जब तक आप टारगेट नहीं करोगे आप कहीं नहीं पहुंचोगे। सपोज यहाँ पे मुझे मैक्सिस बॉल जाना है, तो मैक्सिस बॉल जाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें मैक्सिस बॉल का एड्रेस ढूंढना होगा। एड्रेस ढूंढने के साथ साथ हमें रोड ढूंढनी होगी, फिर GPS पे डालना होगा। अगर हमें मैक्सिस बॉल जाना है, आपके फ्रेंड ने बताया अरे मैक्सिस बॉल आ जाओ, लेकिन मैक्सिस बॉल बहुत बड़ी है, कहाँ जाना है, तो आपने रोड ही डिसाइड नहीं किया, आपको करना ही क्या है, दैट इज कॉल्ड आर रिजल्ट। आपने रिजल्ट के ऊपर फोकस ही नहीं किया, हमें क्या चाहिए उस हिसाब से अपने एक्शन और बिहेवियर को चेंज करना है आपके ऑटोमेटिकली, कि मुझे कहाँ जाना है। सपोज मैक्सिस मॉल जाना है तो उल्टा घूम के तो नहीं जाएंगे, जो इजी रास्ता है सही रास्ता है वही चूज करेंगे। ये आपको डिसाइड करना है एवरी मोमेंट। दिस इज अ फॉर्मूला विच गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। क्लियर? एनी डाउट? ओके, अब मुझे बताइए आप लोगों को स्टडी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी जो बोला चाहे ऐसे हाथ ऊपर करें, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको स्टडी में, क्या प्रॉब्लम आती है? इधर इस तरफ इधर नो स्टडी नो कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजंस आर वेरी गुड, डाउट्स आर वेरी गुड। आपको कंटिन्यू रखना है एटलीस्ट 5 to 10 minutes इन अ डे बिफोर कमिंग टू स्कूल इफ यू गेट टाइम, अदरवाइज आफ्टर गोइंग फ्रॉम द स्कूल कभी भी किसी भी साधन पर वो एक्सरसाइज ये है। थर्ड आई इज अ पॉइंट वेयर इन विद अ क्लोज आई यू कैन रीड अ बुक, यू कैन राइट बुक, यू कैन डू साइकिलिंग, यू कैन डू राइडिंग, यू कैन प्ले गेम विद अ क्लोज आईज, यू डोंट हैव टू ओपन आईज। थर्ड आई की वो पावर है, थर्ड आई के पीछे ब्रेन होती है, ब्रेन एक्टिवेट अगर आप किया तो जो एक्टिविटी आप बोल के कर रहे हो वो एक्टिविटी आप बंद कर देते हो। आप में से कई लोगों ने BBC पे सुना होगा टाटा एक्टिवेशन विद ब्लाइंडेड कोड, लोग बुक्स पढ़ लेते हैं, साइकिलिंग कर लेते हैं, राइडिंग कर लेते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स खेल लेते हैं, ट्रैकिंग हो जाती है, कलर रिकॉग्नाइज, नंबर्स पढ़ लेना, चलते हुए रनिंग बस के नंबर्स को नोट, थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद होती है। तो आपको मैं जो मेडिटेशन करवाने वाला हूँ ये आपके थर्ड आई एक्टिवेशन में मदद करेगा। इसको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे आपके जो जितने पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। यू विल शार्पन योर स्टडी, यू विल हैव अ बेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑन स्टडी, यू विल हैव अ बेटर क्लैरिटी, डिस्ट्रैक्टिंग जो होती है उसको अवॉइड करोगे, बाहर का चर्चा आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना डिफरेंट डायमेंशन ऑफ योर ओन रियल है ना स्टडी, माइंड को रेस्ट मिलेगा, प्रेशर
क्लासेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। और वन थिंग यू रिमेंबर, इस आप में से अगर किसी ने विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग अदर स्टूडेंट और हार्मिंग अदर पीपल, अगर ये इंटेंशन से आपने ये मेडिटेशन किया या वो एक्टिविटी आपके अंदर है, तो ये आपके थर्ड आई को एक्टिवेट नहीं होने देगा। उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है, जो मैं कब कंटिन्यूसली आपसे आऊँगा। और धीरे धीरे आप जब टेंथ पास हो गए, उसके बाद अगर आपको करना होगा तो आप कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा डिपेंड करती है, मेडिटेशन करते करते आप अपनी आई थर्ड आई को एक्टिवेट करके सारी फैसिलिटी जो एक प्रोसेस होता है वर्कशॉप का, वो आप ले सकते हैं। वेरी पावरफुल मेडिटेशन, ओके। बट मेक श्योर योर इंटेंशन शुड बी क्लियर कि आपके किसी भी एक्शन से दूसरे को तकलीफ ना हो, किसी भी एक्शन से, दैट विल हेल्प यू टू एक्टिवेट योर थर्ड आई इमीडिएटली। बहुत कम समय में प्रैक्टिस से होगी, है ना। शैल वी स्टार्ट? यू आर रेडी? ऐसे ऐसे ना कभी भी किसी सीनियर के या किसी टीचर के सामने नहीं बैठना, वो बुलेट है। ऐसे कौन खड़ा रहता है, कौन बैठता है आपको स्पॉन्सर या जिसको एटीट्यूड होती है। अभी सपोज कि अगर आप कहीं कुछ लेने जाने हो तो ऐसे आप खड़े नहीं रहोगे। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ जाए उसके सामने ऐसे खड़े रहोगे, नहीं रहोगे ना। सो दिस इज बैड एटीट्यूड बिहेवियर, ये नहीं रखना है। हाँ, अपने घर पे आप रिलैक्स होने के लिए कर सकते हो, अपनी सोसाइटी में घूम रहे हैं, दर्शन से दूर करते हो, नॉट इन द क्लास रूम, नॉट इन योर सोशल प्लेस वेयर इन योर गोइंग टू गेन समथिंग। गुड, चलिए मैडम अभी मेडिटेशन की तैयारी करते हैं। आपको क्या करना है, लेग को टच करना है, फोर में मैडम सांग ना टीचर सा लवकर सांगा। को टच कर दीजिए ना इनको, बोलो सेकंड वाले को, दैट विल बी प्रॉपर। आप ये दोनों बेंच को टच करवा दीजिए ना, वो सेकंड वाला वाली है तो हाँ प्रॉपर हो जाएगा ना। हाँ, बेंच से बेंच को टच। हाँ, चलो हाँ, खड़े हो जाओ, बेंच को, एक बेंच को पुल करो, एक बेंच को पुल करो, एक बेंच को, दैट विल बी प्रॉपर। और एकदम टच कर लो उसको। हाँ, यस, परफेक्ट परफेक्ट। सारे बेंच को जहाँ अनकम्फर्टेबल हो रहा है, सिर्फ जहाँ अनकम्फर्टेबल हो रहा है। पैर को नीचे जमीन से टच कीजिए पैरों को, टच योर फीट ऑन द फ्लोर एंड कीप योर स्पाइन इरेक्ट, क्लोज योर आईज स्ट्रेट और इनहेल एंड एक्सहेल। जब तक इनहेल एक्सहेल मैं बंद ना करूं तब तक आपको बंद नहीं करना है। जब तक मैं आईज ओपन करना है तब तक नहीं करना है। आईज ओपन करते हैं तो यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड अगेन, तो क्या होगी, कनेक्टिविटी आपकी छूट जाएगी। जो आपने रिदम एक लिया ना इनहेल एक्सहेल करके, वो रिदम आपकी वापस से टूट जाएगी। ओके, सो यू हैव टू कीप योर आईज क्लोज, इनहेल एक्सहेल जब मैं बोलूँ तो आपको स्लोली इनहेल करना है, स्लोली एक्सहेल करना है।
समझ लो पहले दोनों इनर एक्सेप्ट करने के बाद मैं बोलूँगा पावर ऑफ विजुलाइजेशन जो एनर्जी आपके अंदर आएगी वो मैं बोलूँगा कि कैसे आपको विजुलाइज करना है। जैसे मैं बोलूँ कि नाउ यू विजुलाइज द कॉस्मिक एनर्जी इज एंटरिंग थ्रू योर हेड, तो ऐसे आपको फील करना है कि यू आर अंडर द शावर। शावर कैसे आती है, तो लाइट की शावर आ रही है टॉप ऑफ द हेड से और लाइट यहाँ पे आएगी दोनों आईब्रोज के बीच में। यहाँ पे आपको दो मिनट के लिए होल्ड करके रखना है। इसके ठीक बैक साइड में मिड ब्रेन है, दिस इज थर्ड आई एंड दिस इज मिड ब्रेन। तो ये यहाँ पे दो मिनट होल्ड करके रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। मन ही मन मैं आपसे पूछूंगा नहीं, एवरी डे आप नोटिस करोगे राइट। फिर धीरे धीरे उस लाइन को नीचे लेके जाना है पूरी बॉडी को ट्रेवल कराते हुए पैर के रास्ते से अर्थ में। तो पैर के रास्ते से एनर्जी कहाँ चली जाएगी, अर्थ में। क्या करेगा आपके अंदर से जितनी नेगेटिविटी है, आपके माइंड में जितना कन्फ्यूजन है, अनवांटेड स्टफ है, वो सारी की सारी अनवांटेड स्टफ को ले जाके अर्थ में ड्रेन कर देगी। तो योर एनर्जी विल बी प्योरीफाइड अगेन, दैट इज कॉल्ड रीसेट योर माइंड। सो आर यू रेडी, अंडरस्टूड? कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? चल कीप योर आईज क्लोज, फाइनली हैंड्स ऑन योर थाइस, हवा में नहीं रख रहे, थाइस पे टिका लीजिए। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, और जो चश्मे पहनते हैं इफ इन केस चश्मे निकाल दीजिए। It is done.
रब योर हैंड्स, हीट जनरेट होती है हाथ में और ये हीट आपके आंख को एक भाग भाग के नहीं करना है, बस किया और भागे। वो टास्क होती है, तो पैशन कोई भी काम करो तो पैशन के साथ करो, दिल से करो। एक होता है टास्क और परफॉर्म करनी है, ओके किया ठीक है, एक होता है कि दिल से इन्वॉल्व होके हमें अच्छा लग रहा है कर रहे हैं। आप में से कोई ऐसा कोई भी एक स्टूडेंट है जिसको मेडिटेशन अच्छा नहीं लगता? Honest answer please, इसको मेडिटेशन अच्छा नहीं लगता। बोरिंग 10 minutes, 15 minutes, half an hour वाला नहीं। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इंग्लिश वर्ड है, इसको एक्चुअली ध्यान कहते हैं। ध्यान संस्कृत वर्ड से आया है, ये ध्यान फोकस। एंशियंट टाइम में इसी ध्यान के माध्यम से गुरु जो स्पिरिचुअल गुरु होते थे, जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या जो भी हमारे गुरु हैं, वो गुरु ज्ञान देते थे, राइट? ज्ञान कहाँ से आती थी? उस टाइम में कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं था। ज्ञान यूनिवर्सल एनर्जी से आती थी, ईश्वर से कनेक्ट होकर लेते थे। आप लोग जब प्रेयर्स करते हो स्कूल में आने के साथ, क्यों करते हो? क्योंकि आप अपने आप को कनेक्ट करते हो उस व्यायाम से, उस एनर्जी से, और उसे रिक्वेस्ट करते हो कि आज जो हमारी स्टडी होगी आज की, वो उसके लिए हमें रिसीव करने के लिए शक्ति दे, राइट? ये ईश्वर प्रार्थना क्यों करते हैं? एक यूनिफॉर्म में हम यही मनाते हैं कि आज जो हम पढ़ेंगे उसे हमें समझने के लिए शक्ति दे, क्षमता, राइट? सो दिस वे अब ये जो आपने मेडिटेशन किया, इस मेडिटेशन को कंटिन्यू रखना है। Till the time we are coming to your place again. आप लोग जैसे कोई अगर फीडबैक दोगे तो भी हम लोग आ पाएंगे। जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगी, हमारा आना सफल नहीं होगा। मैं चाहता हूँ आप अपने रिजल्ट ओरिएंटेड रहें, हमेशा पूछें अपने आप से, ये जो मैं कर रहा हूँ, जो जिस तरीके से कर रहा हूँ, क्या ये मेरे रिजल्ट जो मुझे चाहिए वो है, वैसा है? नहीं है तो चेंज द एक्शन, चेंज द बिहेवियर, राइट? सिंपल, खुद से जो मैं पढ़ रहा हूँ कोई जरूरी नहीं हार्ड वर्क करने की, डू इट स्मार्ट वर्क। एथलीट है आप, कुछ खा रहे हो, आप पूछो अपने खुद से, जो मेरा एक्शन जो मैं खा रहा हूँ, जैसे पिज्जा बर्गर या कुछ भी खा रहा करने को पड़े, जिस तरह से मैं खा रहा हूँ, खाने के लिए अगर मैं करने होता है ना, जैसे फ्रेंड्स की पार्टी है, टूर पड़े आ रहा है, हाँ बहुत अच्छा लगा, थोड़ा और मिलेगा क्या? ले लिया, बहुत बड़ा है। घर जाते ही हमारी सामान जो है जो फॉर्म दिया है, प्लीज फिल दैट फॉर्म। And how was the session? कैसा था सेशन? अपन नीचे लेंगे। स्टेज 3 बेटर है स्टेज 2 एंड बेस्ट है स्टेज 1। तो आपको कौन सी टारगेट रखनी है वो आपको फिलअप करना है, टिक करना है। What you want to achieve? Number 1, number 2, number 3. Number 1 is best. Number 2 is better. Number 3 is good. मतलब भी आप कर रहे हो उससे क्या होगे? आप अच्छे हो, एवरेज में रहोगे। कोई आपसे ज़्यादा दूर क्या करेगा? कट के रहेगा, थोड़ा सा दूर रहेगा, डिस्टेंस मेंटेन करेगा। Now start writing your one. No one will copy each other. Make sure, give your honest feedback. Whatever comes in your mind, whatever you have done today, share your experience. एक तो टिक लगानी है, दूसरे में एक्सपीरियंस शेयर करना है। MMDDYY मंथ क्या है आपका, डेट क्या है आपका, बर्थडे का ईयर क्या है, है ना? डीडी MMYY कॉम्प्लीट है, डेट क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है, राइट? एक ऑब्जेक्टिव है जिसके आपको कुछ लिखना है और एक टिक मारना है जो आप गोल डिसाइड करते हो।
मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूँगा कि आपके फर्स्ट पिलर का जब रिजल्ट का टाइम आएगा तभी आऊँगा मैं आपके साथ ये लेके चलूँगा। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं पाए तो फील फ्री टू आस्क, बिकॉज़ क्यूरियोसिटी मेक्स यू मोर परफेक्ट एंड डोंट हेजिटेट कि नहीं समझ में आया पूछूंगा तो दूसरे हंसना शुरू कर देंगे। हंसेंगे नहीं समझ में आपके पेरेंट्स किससे बोलते हैं आपका है जिसका जिससे